तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग की दाल के पकौड़े। अगर आप बेसन के पकौड़े खाते खाते बोर हो गए हैं तो इन सर्दियों ट्राई कीजिए ये वाले मूंग की दाल के पकौड़े, जो देखने में जितने ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं खाने में उतने ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट के हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। बिल्कुल नया टेस्ट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इन मूंग की दाल के पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए ये नई तरीके के पकौड़े आपको कैसे लगे। मूंग की दाल के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मूंग की धुली दाल रात को भिगोकर रख दी थी। भिगोने के बाद ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फूल गई है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप केवल 2 घंटे के लिए इसको भिगोकर छोड़ दीजिए। उसके बाद अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने इसको ऐड किया है एक मिक्सिंग जार में। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ लहसुन की 3 से 4 कलियाँ। अगर आप लहसुन ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद ऐड किया है अदरक, जिसको मैं 2-3 पीसेज में कट करके ऐड कर दूंगी। साथ में ऐड किया है हरी मिर्च। ये सब चीज़ें हम ग्राइंड करते टाइम ही ऐड कर देंगे ताकि मिक्सचर में तो इसका टेस्ट आ जाए लेकिन मुंह में ये सब चीज़ें ना आए, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, लगभग आधा कटोरी पानी ऐड किया है और इसको कर लेती हूँ मिक्सर ग्राइंड। 2 मिनट लगेंगे और अच्छे से मिक्सर ग्राइंड हो जाता है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, यही कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, ज़्यादा पतला मत कीजिए। लेकिन कभी आपसे ज़्यादा पतला हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन या सूजी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग। ज़रूरी है, तभी फ्लेवर अच्छा आता है जब भी आप पकौड़े बनाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ भुना जीरा पाउडर। जीरे को अच्छे से भूनकर उसको ग्राइंड कर लीजिए तो आपका भुना जीरा पाउडर तैयार हो जाता है। केवल इतने ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इसको आपस में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर पकौड़े बनाने के लिए आपका बैटर बिल्कुल तैयार हो जाता है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है, तो ये अच्छे से कोट हो जाएगा आलू के ऊपर। अब बारी आती है आलू की, तो मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद पील कर लिया है, मीन्स छील लिया है। आलू उबले हुए नहीं हैं, कच्चे आलू हमने लिए हैं और आपको इसे इस तरीके से ग्रेटर से ग्रेट करना है। ऊपर नीचे नहीं करना है, केवल एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में आपको इसे ग्रेट करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप के स्लाइसेस आ जाएंगे। केवल नीचे की डायरेक्शन में स्लाइस कर रही हूँ और इसके ये स्लाइसेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे आलू को स्लाइस कर लिया है। ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आलू स्लाइस करें उसके बाद आप इसको पानी में डुबोकर ही रखिए, क्योंकि 10 मिनट बाद आलू लाल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप पकौड़े बनाएंगे तो बार बार तो उसको ग्रेट करेंगे नहीं, पहले ही सारे आलू ग्रेट करके रख लेंगे, इसलिए पानी में डुबोकर ही रखिए। उसके बाद आपको इसे इस तरीके से कोट करना है बैटर के साथ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी मिक्स कर दिया है, आपको बता दिया है कोटिंग कैसे करनी है। अब चलते हैं डायरेक्टली इसको फ्राई करने के प्रोसीजर पर। तो उसके पहले मैं जितने भी आलू मुझे एक बैच में तैयार करने हैं पकौड़े, उतने आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब कढ़ाई में मैं 1 by 1 करके ये आलू के स्लाइसेस, जिसको मैंने अच्छे से बैटर में लपेट लिया है, और इसको ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। जब भी आप कोई पकौड़े बनाएं तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं, नहीं तो पकौड़े तेल सोख कर लेते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म था, मैं यहाँ पर 1 by 1 करके आलू के स्लाइसेस यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से मैं 1-1 स्लाइस ही ले रही हूँ ताकि आपस में स्टिक ना हो। लेकिन अगर ये आपस में स्टिक हो जाते हैं, आप थोड़ा जल्दी में हैं, तो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया भी था कि आप स्पून और फोक की सहायता से उनको अलग अलग कर सकते हैं ताकि ये देखने में भी अच्छे लगें और अच्छे से पक भी जाएं। तो मैं यहाँ पर इसको मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ, हाई फ्लेम मत रखिए, मीडियम फ्लेम पर पकाइए ताकि जो आलू हैं वो भी अंदर तक अच्छे से पक जाएं, क्योंकि हमने यहाँ पर कच्चे आलू का यूज़ किया है। अगर आप उबले हुए आलू लेते हैं और तब उसके ये पकौड़े बनाते हैं तो आप इसको हाई फ्लेम पर पका सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हमने जल्दबाजी करी तो ये पकौड़े अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं, इसलिए हमने कच्चे आलू यूज़ किए हैं, तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे कि पकौड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको पकने देते हैं, अलट पलट करते रहेंगे बीच बीच में, और जब ये पककर तैयार हो जाएं तो अब बारी आती है इनको निकाल लेने की।
तो अब मैं इसको एक स्ट्रेनर की सहायता से स्ट्रेन कर लूँगी। आप देख भी सकते हैं कि कलर कितना बढ़िया आ गया है, बिल्कुल यही कलर हमको चाहिए था। और ये पकौड़े आप बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। तो इन सर्दियों में ये मूंग की दाल के पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था मूंग की दाल का चीला, अगर अभी तक आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। मूंग की दाल स्पेशल बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं सारे के सारे पकौड़ों को स्ट्रेन कर लेती हूँ एंड जस्ट लुक एट दिस, कितने अच्छे फूले फूले पकौड़े हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर आप इसको एक सर्विंग ट्रे में निकाल दीजिए और उसके बाद इसको सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ। हरी चटनी मैंने सिंपल तरीके से बनाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा चंकी चाट मसाला और यहाँ पर आपके ये मूंग की दाल के पकौड़े बनकर हो जाते हैं बिल्कुल तैयार। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर सब जगह शेयर कर दीजिए और टेस्ट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।